बलिया नगर पालिका परिषद में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का चुनावी जनसभा संपन्न होने के बाद अब वो सीधे पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में मौजूद है। उनका हेलीकॉप्टर आप सामने देख रहे हैं। करीब 1:15 पर, दिन में 1:15 पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की जनसभा समाप्त हुई। चुनावी जनसभा संबोधित करने के बाद वह सीधे पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में पहुंचे हैं, जहां हेलीकॉप्टर से वह लखनऊ के लिए रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हेलीकॉप्टर से बलिया यानी भिरगू क्षेत्र से अब बनारस के लिए जा रहे हैं। वह लखनऊ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से हेलीकॉप्टर से उनका यहाँ लोगों की भीड़ भी लगी हेलीकॉप्टर देखने के लिए। लोग यहाँ हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, उनको ब्रजेश पाठक जी को भी देख रहे हैं। यहाँ से तमाम लोग उनके एक झलक पाने के लिए यहाँ पुलिस लाइन में पहले से मौजूद थे। जब वो करीब 12 बजे के आसपास वो सीधे यहाँ पहुँचे हैं और करीब 1.5 घंटा बलिया में रहे हैं और उसके बाद वो अपने अन्य कार्यक्रम के लिए पहुँच रहे हैं। पुलिस लाइन का ये ग्राउंड है जहाँ से डिप्टी सीएम अन्य कार्यक्रम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये बलिया में आज उनकी जनसभा थी, चुनावी जनसभा थी, जिसको लेकर डिप्टी सीएम आज बलिया में थे। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहें बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।